दोस्तों, अब तक केवल आपने फिल्मों में ही नागिन के बदले की कहानी देखी और सुनी होगी, लेकिन वास्तव में उत्तर प्रदेश के कानपुर में ये घटना देखने को मिली, जहां पर एक नागिन ने अपने नाग को मारने वाले के ही पत्नी की जान ले ली। और इस घटना के घटने के बाद गांव के पूरे लोग दहशत में। दरअसल दोस्तों, कानपुर के सोबेपुर इलाके के किशनपुर गाँव में एक नागिन ने अपने नाग के कातिलों का बदला ले लिया। और इतना ही नहीं बल्कि नागिन ने अपने नाग के कातिलों की जान लेकर स्वयं की जान भी ले ली और गांव के सभी लोग इस घटना को सच मान रहे हैं। गांव के एक व्यक्ति से मिली जानकारी के अनुसार गांव के एक व्यक्ति सुरेश के घर गुरुवार को एक काला नाग निकला, जिसे देखकर सुरेश बहुत अधिक घबरा गया और अपने परिवार को सुरक्षित रखने के लिए उसने उस नाग को कूट कूट कर मार डाला। लेकिन सुरेश को इस बात की भनक नहीं थी कि उस नाग के साथ उसकी नागिन भी थी। और नाग के मारने के अगले दिन ही जब सुरेश की पत्नी उमा घर में सफाई कर रही थी, उसी वक्त नागिन ने उसको डस लिया और वो जोर जोर से चिल्लाने लग गई। और घर वालों ने उमा का जहर उतारने के लिए एक बाबा को लेकर आ गए, लेकिन बाबा वो जहर उतारने में असफल रहे और जब तक उमा को हॉस्पिटल ले जाया जाता तब तक उसकी डेथ हो चुकी थी। पत्नी की जान जाने से परेशान होकर सुरेश ने नागिन को पकड़ने के लिए एक सपेरे को बुलाया, लेकिन जैसे ही सपेरे ने उस नागिन को पकड़ा तब नागिन ने अपनी जान दे दी। और दोस्तों, गांव में घटित हुई इस घटना की चर्चाएं चारों ओर सुनने को मिल रही हैं। तो दोस्तों, इससे हमें एक बात स्पष्ट होती है कि कहीं पर यदि हमें नाग नागिन का जोड़ा देखने को मिले तो हमें उन्हें बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसका परिणाम भुगतना महंगा पड़ सकता है। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए इतना ही। यदि आप भी हैं महादेव के बहुत बड़े भक्त तो कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव लिखना बिल्कुल भी न भूले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।